एक दिन की बात है जब महाराजा अकबर सुबह सुबह अपनी दाढ़ी खुजाते हुए नींद से उठे और उठते ही जोर से चिल्लाए, कोई है मेरे आजू बाजू? तभी वहां से उनका एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और आके बोला, महाराज क्या हो गया? तो इस पे बादशाह चिल्लाए, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा है, और वो चिल्ला के बोले, जल्दी जाओ और उसको बुला के लाओ। बोल के दोबारा वो बिस्तर में सो गए। अब वो सैनिक परेशानी में आ गया कि आखिर किसको बुलाना है, अब अगर महाराज को पूछा तो महाराज तो और गुस्सा करेंगे। तो वो दौड़ के दूसरे सैनिक के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, अरे महाराज ने मुझे ये कहा, तो आखिर बुलाना किसको है? तो वो दोनों सैनिक को ये समझ नहीं आता। फिर वो दो सैनिक तीसरे इंसान के पास जाते हैं और बताते हैं कि महाराजा ने ये बोला, तो आखिर बुला के हम किसको लाए? तो ऐसे ही एक के बाद एक सैनिक के पास वो चले जाते हैं और किसी को भी ये समझ नहीं आता कि आखिर बुलाना किसको है। तभी उस सुबह बीरबल वहां से टहलते रहते हैं, तभी वो देखते हैं कि दूर में सारे सैनिक आपस में कुछ बात कर रहे हैं और हड़बड़ी करके यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तभी बीरबल एक सैनिक को वहाँ बुलाते हैं और पूछते हैं, अरे भाई आखिर बात क्या है? सुबह सुबह तुम सारे लोग इतने परेशान हो, कहीं महाराज ने आप लोगों को एक नई समस्या में तो नहीं डाल दी? ये बोल के बीरबल मुस्कुराते हैं। तभी सैनिक घबराहट से बोलते हैं, महाराज आज सुबह सुबह महाराज अकबर ने हमें ये हुक्म दिया, लेकिन बुलाना किसको है वो तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। तभी बीरबल मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, अच्छा मेरे को ये बताओ, जब महाराजा उठे तो वो क्या कर रहे थे? तो फिर सैनिक बोलता है कि जब महाराजा उठे तो अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। तो ये सुन के बीरबल बहुत जोर से हंसता है और बोलता है, अरे गधो, इसका मतलब ये हुआ कि अपने बढ़ते दाढ़ी से परेशान हो गए हैं और उनको अपनी दाढ़ी कटवानी है, तो जाओ जाके नाई को बुला के लाओ। ये सुन के सैनिक दौड़ के जाता है और एक नाई को लेके आता है, और जब वो महल में आता है और उसको देख के महाराजा अकबर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम तो बड़े चतुर हो, मैंने तो बताया ही नहीं था किसको बुलाना है, तुमको कैसे पता चल गया? तब वो सैनिक कांपते हुए बोलता है, महाराज रास्ते में मुझे बीरबल मिले थे जिसने मुझे बताया कि महाराज को एक नाई की जरूरत है। ये सुन के अकबर हंस पड़ते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल सही। दोस्तों आपको अगर WhatsApp के जरिए ऐसी कहानी सुननी है तो नीचे हमारा WhatsApp का लिंक है जिससे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा हर दो दिन में आपको एक नई नई ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने को मिले। तो नीचे WhatsApp के लिंक है, उसमें क्लिक कीजिए और हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए।